करेंगे ना तो व्यू उनके पास उधर उसी वक्त ऑनलाइन हो जाएगा, वो तो देख सकते हैं। उधर बैठे वो एक घूमने वाला ना, वो मेरी दोस्त ने मिल गया, वो अभी मैंने उसको ये सेंड किया, ये जो है ना वो पता है ना, ज्यादा महंगा भी है, सस्ता वाला भी है। ये ईएमई के अंदर भी लगे हैं बड़ी मान, ईएमई वालों ने भी लगाए हैं। ये गोल चक्कर से लेके अगले गोल चक्कर तक उसकी रेंज भी बहुत होती है घूमने वाले। नहीं वो तो कमर्शियल चीजें ना, वो बहुत महंगे हैं, जो 7-8 हज़ार का लेंगे वो ज्यादा जो है ना, वो तो 40 हज़ार तक भी है, क्योंकि उसके हमें इतनी रेंज नहीं चाहिए, वो रेंज हमें चाहिए जमीनों पे, वो रेंज जमीनों वाले में ना जो है ना लंबी कर सकते हैं। इधर घर के भी हमें इतनी रेंज नहीं चाहिए, यही पता लगना चाहिए इधर उधर क्या हो रहा है क्या नहीं, सही है ना। वो देखने के लिए वो मोस्टली बेबी मॉनिटर कहते हैं उस कैमरे को। ये कैमरा कितने का आया ये? तकरीबन 5.5 हज़ार। 5.5 हज़ार का? 4 हज़ार का? 4.5 हज़ार का? नहीं ये 5 मेगापिक्सल है ना, उन्होंने बताया वो 2 मेगापिक्सल है। अच्छा, मैं उससे पूछ रही थी, वो कह रही थी कि उन लोगों का जो लगा है ना, तो मैं कह रही थी हमारे भी पता नहीं इतने की है। वो घूमने वाला वो आप ग्रेट टाइम देख सकते हो, ऐसे जो है ना वो लगा रहे ना ऊपर जमीन ऐसे जिधर जिधर लगे ना पहले उधर उधर निकाले ना ज्यादा। हाँ ये आपको नजर नहीं आ रहे होंगे नीचे वो उधर वाले मेरे साथ तो ऊपर वाले कर रहे हैं कि जो पीछे लगाए उसी कर रहे हैं। ये सारे निकालने हैं जो उधर से सारे वो ड्रिलिंग की है बोर्ड को उसको नहीं तो ये जैसे वो केबल की तार थी उधर ये अंडरग्राउंड नहीं आ सकती थी ये तार वो मेरे साथ बाहर केबल की लगी केबल तो नीचे नहीं करते नहीं ये और तार होती केबल वाले नहीं है बाकी अंडरग्राउंड अभी नहीं आ सकती जब वो वायरिंग हो रही थी ना तब मेरे ख्याल में अंदर है इसकी वायरिंग हो गई आप लोगों ने देखा नहीं उधर आओ जरा देखो वायरिंग तो इसकी होगी हम लोगों ने देखा नहीं ये सारे कैमरे पहले ऑलरेडी ओपन ही होते हैं उन लोगों ने भी बेटा किराए वाले रह रहे थे ना पहले से ये उन लोगों ने किराए हम कोई करता ही नहीं था ये तो बड़ी ओपन गई है तार ये तो बहुत ज़्यादा ओपन है ऐसा ये इधर से नहीं हुआ ये ऊपर तो दो है ना अंदर ये देख रहे हैं ना अंडरग्राउंड मैं यही कह रही हूँ कि ये इसका कुछ सिस्टम होगा अंडरग्राउंड का ये जब घर बन रहा होता ना तो उसमें वो गली मार के कटाई करके तो अंडरग्राउंड करते हैं अभी वो इतनी दौड़ को तो नहीं कर सकते लेकिन हमने कोशिश की है कि जितना ज़्यादा क्लोज हो सके ना तार कहीं से नज़र ना आए नहीं नहीं पहले मैं ये देख रही कि जैसे ये उन लोगों ने की है ऐसे इधर अंडरग्राउंड की है ये नहीं है पहले सारा ड्रिल वगैरह करके की है ना तो पर इतना तो नहीं ये इधर से ऊपर जा रही है किधर जा रही है ये तार ये अंदर गई हुई है ना ये इधर लगी हुई टीवी लॉन में तो मेरे ख्याल इधर से जाकर उन लोगों ने अंदर पहले मैं देख लेता हूँ किधर से गई है अभी ये वो भी तारें ऐसे ही जा रही हैं बाहर से अंदर जा रही हैं आपको कहीं नज़र नहीं आ रही है ये जो डिज़ाइन सा बना ना इसके अंदर से कर लेना चलो ठीक है दूसरे दो कर देखिए दरवाजा खुला ये दूसरा सफायर देखिए ठीक है बच्चे
ऐसे ही जैसे वो लड़के काम कर रहे हैं ऐसे ही हम बाहर आ गए हैं, तो आप लोगों को दिखाने लगे हैं कि जैसे मैंने वो बाहर काम करती रहती हूँ खेती का, ये आप लोगों को दिखाने लगी कि मेरे घर में मैं क्या करती रहती हूँ जब होती हूँ। तो चैनल तो मैंने बैठना ही नहीं होता ना, ये देख रहे हैं आप, ये मैंने इधर ये गार्लिक किया हुआ है सारा, इसका वो प्लांट बनाया हुआ है, ये मैंने क्या लगाया हुआ पुदीना, ये सारा पुदीना है ये किया हुआ है, आगे ये मैंने सारी मेथी की हुई है, ये मेथी की खेत है, ये साथ थोड़ा थोड़ा मैंने लगाया हुआ है। ऐसे जैसे मैं बोर होती हूँ ना, मैं घर का कोई ना कोई काम ऐसी लगी रहती हूँ, ये भी मेथी लगाई हुई है, ये भी मेथी की हुई है, साथ ये मुंगरे लगाए हुए हैं, ये बड़े होंगे तो इसको मुंगरे लगेंगे, ये भी मेथी है, तो ये पालक का खेत है, ये जैसे लगाई ये पालक लगाई है। तो अभी आपको दिखाती हूँ ये शलजम किए हुए हैं, शलजम ये किए हुए हैं, ये मैंने लगाई हुई मूलियाँ, मूलियाँ हाँ ये सारी मूलियाँ लगी हुई है, ये मूलिया का खेत है, गाजर भी लगा लेंगे। ये आप देख रहे हैं ये मूलियाँ लगाई हैं, ये आगे फिर मैंने वो देसी गार्लिक लगाया, ये फार्मी लगाया जो मोटे वाला होता है, ये वो लगाया आगे, ये देख रहे हैं अभी निकल रहा है, ये फार्मी लगाया हुआ है वो स्प्रे का, आगे आपको बहुत मज़े की बात बताने लगी हूँ धनिया वाली, ये सब मैंने धनिया का प्लाट बना के लगाया हुआ है, क्योंकि सर्दियों को बहुत यूज़ होती है, जैसे मूलिया के परांठे बनाते हैं, आलू वाले परांठे बनाते हैं, रमज़ान में भी जब पानी बनाना होता है तो वो यूज़ करते हैं ना पुदीना, ये ऐसे ही मैंने एक घर लगाई हुई है, तो ऐसे ही जब मैं फारग टाइम होता है तो मैं थोड़ी भी काम करती रहती हूँ। ये सब जो है ना, ये मैंने वो सारे कलर के फ्लावर लगाए हुए हैं, फिर जब ये इसका कलर निकलेगा ना तो फिर ये बहुत खूबसूरत लगेंगे, ये सारे तीन कलर के मैंने लगाए हुए हैं, इधर तक एक कलर है, ये जब निकलेंगे फिर भी आप लोगों को दिखाऊंगी, ये दूसरा इधर तक दूसरा कलर है, वो तीसरा कलर है, ऐसे तीन कलर मैंने किए हुए हैं। ये सारा दिन मेरी वर्किंग होती है, जब कोई काम नहीं होता तो ऐसे ही मैं घर के काम करती रहती हूँ। आज हमारे घर में, हमारे मोहल्ले में यानी कि ये हो रहा है, बहुत तो उसके लिए ये सारा कर रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा आ जाता है, जैसे मच्छर है, मच्छर जिसको बोलते हैं, तो इसलिए कल इन लोगों ने इस साइड पे की है कॉलोनी वालों ने, तो आज उस साइड पे दूसरी साइड पे कर रहे हैं, तो फिर भी मैंने बाज़ार से भी मंगवाई है, मैंने कहा ये बाज़ार से भी लेके आओ, अंदर जो कमरों में है बच्चे आए हैं, तो आजकल आप लोगों को पता है कि डेंगी बुखार बहुत हो रहा है, तो ऐसे मैंने कहा कि वो अंदर भी ला के सारा जो है ना वो करते हैं। ये देखा मेरी खेत सारा, जब मैं मेरे पास फार्म टाइम होता है तो मैं घर में खेती बाड़ी करती रहती हूँ, ये ऐसे जैसे मैं परसों गांव में गई थी, आप लोगों को दिखाया नहीं था, मैं अपने विलेज में गई थी, तो वो मैंने नहीं दिखाया आपको क्योंकि उधर जो थी ना मुझे बुखार हो गया, तो बुखार की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी, आज भी मुझे बुखार है, तो बुखार के साथ ही वो लड़के जैसे काम कर रहे हैं कैमरे के, पहले हमारे घर में चार कैमरे थी तो अभी छः की है, तो इसलिए वो लड़के काम के लिए, फिर मुझे थोड़ा सा इधर उधर उन लोगों के साथ बात करनी पड़ती है, तो ऐसे ही आप लोगों ने देखा होगा ये गार्डन में मुझे वैसे शौक होता है, गार्डन है खूबसूरत हो, अभी भी मैं कह रही थी, मैंने कहा कि मैं सोच रही हूँ कि ये जो लगाई हमने आप लोग देख रहे हैं फूल, ये सारा मैंने किया हुआ है, इसको कहते हैं सदाबहार, ये मैंने सारे ये हमारे पौधे
है तो कॉलोनी वाले के हैं, फिर भी मैं इसकी डेकोरेशन करती रहती हूँ मालिक को कह के कि ये ऐसे करो ये ऐसे करो। अभी मेरा दिल कर रहा है कि इसमें गुलाब के फ्लावर मंगा के, अभी मेरी तबीयत ठीक होती है तो फिर मैं ज़रूर इधर दूसरे फ्लावर जो है वो चेंज करती हूँ, फिर और भी खूबसूरत लगेंगे। जैसे जो हरियाली जो है ना ये साथ साथ आप लोगों ने देखी है कि हमने करते रहते हैं अंदर भी है और बाहर भी। ये जो है हमारा दूसरी साइड का गेट है, उधर से मैं बाहर निकली थी, वो दूसरा गेट उधर है, अभी बंद करती हूँ। थोड़ा आगे सही हो गया। तो ऐसे घर के वो जानवर तो आपने लोगों ने देख भी, वो बोल रहे हैं ये हमारे घर में जो कैटो पैटो है ये तो आप देखते रहते हैं। हाँ इधर आओ, क्या बात है, क्या हुआ है, क्या हुआ, इधर आओ शेरू, ओ शेरू अभी ये नाराज हुआ, क्या हुआ, क्या बात है। ऐसे आप लोगों को पता है कि जानवरों के साथ भी मैं बहुत प्यार करती हूँ, जैसे पौधों के साथ करती हूँ। पौधे भी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैं ग्रीनरी बनाती रहती हूँ। ये मैंने लेमन का इसी साल में पौधा लगाया तो माशाल्लाह ये बड़ा हुआ है, इसके तो लेमन लगे हुए हैं, ये आप लोग देखें, ये बहुत माशाल्लाह इसको जैसे ये लेमन लगे हुए हैं। ये 2 साल पहले का लगाया, इसको लेमन लगे हैं, वो अभी मैंने इसी साल में लगाया, इंशाल्लाह इसको भी इसी साल में लगेंगे। ये आड़ू का पौधा लगाया, इंशाल्लाह इसको भी इसी साल में लगेंगे, वो रात का राजा है, उसको भी जब लगता है वो बहुत रात को प्यारी खुशबू आती है। वो अमरूद का तो आपको पता ही है, वो पहले हमारे घर में पुराना लगा हुआ है। तो ये ताशा के बच्चे हैं, ये साथ पीछे पीछे घूम रहे हैं, जब ये बाहर जाती है तो इसको वो हमारा जो है जैकी वो देख के तो शोर करता है, चलो पीछे आ जाओ उधर नहीं जाना। तो इधर हमारा घास थोड़ा सा ख़राब हुआ है, अभी इंशाल्लाह ये थोड़े दिनों में ये जो है मुर्गियाँ इसको मैं शिफ्ट करूँगी अपने वो विलेज में, उधर इन लोगों के लिए, जैसे मैं 2-3 दिन के लिए गई थी वहाँ इन लोगों के लिए मैंने काफ़ी वो बना रही हूँ, बड़ा इन लोगों के लिए जगह बना रही हूँ, इन लोगों को मुर्गियों को उधर शिफ्ट करूँगी और कोशिश करूँगी ये जो तोते हैं घर में ये भी शिफ्ट करूँगी। तो मेरा ख्याल है काफ़ी वो लोग हो गया, अभी मेरी तबीयत भी ख़राब बहुत होने लगी, जैसे देखो पसीना आ रहा, बुखार बहुत तेज़ है। तो ऐसे आपको पता है कि जैसे जिम्मेदारियाँ होती हैं बुखार के साथ, मैं लेट भी नहीं सकती हूँ, थोड़ी देर लेटती हूँ, घर में बंदे लगे हैं काम करने वाले, तो फिर उठ के उन लोगों के लिए देखना भी पड़ता है कि वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं। तो इस तरह फिर साथ साथ जो है ना काम भी करने पड़ते हैं। तो इसके साथ मैं जो है व्लॉग का भी एंड करूँगी, जितना भी हो गया तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ये लड़के काम कर लेते हैं, फिर चलते हैं, फिर भी आप लोगों को दिखाऊँगी कि घर की ये बन गया है। तो ये जब चलेंगे फिर भी इंशाल्लाह आप लोगों को वो भी चेक करवाऊँगी। इस तरह बस ज़िंदगी जो है, इस तरह ज़िंदगी के दिन जो है कम होते जा रहे हैं, कि रोज़ाना के काम होते हैं तो इस तरह बंदा करते करते एक दिन ख़त्म हो जाता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग के लिए मैं आप लोगों से इजाज़त मांगती हूँ, तो नेक्स्ट व्लॉग के साथ फिर मिलती हूँ, कोई अच्छा सा व्यू मिला तो फिर आप लोगों के साथ दोबारा व्लॉग दिखाऊँगी। आप देखना और शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, तो इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ कोई अच्छी जगह से, अच्छे व्लॉग से, जैसे इकरा और उसका बच्चा आया है वो कह रहे हैं कि हमें कहीं ले के चलो, तो फिर देखिए उन बच्चों के लेके कहाँ लेके चलती, फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। इसके साथ ओके, अल्लाह हाफिज़।